हाय गाइस, तो गाइस आप सभी लोग वेलकम बैक टू एक न्यू वीडियो में। और गाइस आ चुके हैं एक न्यू वीडियो में और आज हम बनाने वाले हैं गाइस गोल्ड फार्म। हाँ, काफ़ी अमेजिंग गोल्ड फार्म होने वाला है। पहले वाली वीडियो पे व्यू नहीं है इसलिए मैं बना रहा हूँ। हाँ, मतलब पैसा छापना है मेरे को, कुछ भी बोलो पर पैसा छापना। और गाइस आपको बताना भी कैसे बनता है। तो गाइस सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म ले लेना है और प्लेटफॉर्म लेने के बाद आपको बनाना शुरू करना है एक 9x9 का। गाइस आपको काफ़ी लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। आपको 9 ऑब्सीडियंस लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ओके, इसके बाद आपको एक ब्लॉक लगाना है, उसके ऊपर आपको 9 ब्लॉक दोबारा ऑब्सीडियन लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद एक और यहाँ पे 1 हो गया, इसके बाद दोबारा आपको 9 लगाने हैं यहाँ से, दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ओके, इतना होने के बाद इसके जस्ट आपको नीचे से दोबारा से 9 ब्लॉक ऊपर ला रहे हैं कनेक्ट करके। तो फटाफट इसको करता हूँ, यहाँ तक कनेक्ट कर देते हैं इसको और ये लास्ट हो गया। ओके गाइस, इतना होने के बाद गाइस इसका देखना है कि हमारे पिगलिंग जो होते हैं जब अपन को गोल्ड देने वाले हैं वो किधर की तरफ से गिरते हैं। उसके लिए अपन को गाइस इसमें बार बार फ्लिंट करना पड़ेगा, बाहर की तरफ कर दिया। जैसे गाइस एक बार ऑन हो गया, इसको तोड़ना है यहाँ से एक ब्लॉक, अब दोबारा वापस लगाकर दोबारा फ्रंट मारना है। ऐसे आपको बार बार करना है जब तक आपका पिकलिंग, देखो मेरा इधर की तरफ गिरा है, और जब तक आपका गाइस किधर की तरफ भी एक पिकलिंग ना गिर जाए, इधर पॉइंट लगा देते कि अपना इधर से गिरा है, ठीक है। उसके बाद इसको कर देना है बंद, आपको जो आपने ये कर रखा है ये हरकत। और गाइस इतना होने के बाद जहाँ पे आपने निशान लगाया उसके बाद यहाँ से गाइस आपको पूरी एक लेयर हटानी है, यहाँ से पूरी आपको एक लेयर हटा देनी है ब्लॉक की, डर्ट की जितनी भी है पीछे तक पूरी की पूरी। ये टेम्परेरी ब्लॉक बैठा दो जब अपने निशान लगाए थे। उसके बाद आपको लेने एक वाटर बकेट, वाटर बकेट होगा आपको करना एक प्लेस इधर, और ये बहता हुआ गाइस एक लास्ट का ब्लॉक जो रहेगा इस पर रुक जाएगा। इसके बाद गाइस यहाँ से आपको 10 से 15 ब्लॉक गाइस नीचे डिक कर लेना है, ठीक है। 10 या 15 करना, ज़्यादा मत करना क्योंकि फिर इसकी रेंज मतलब गाइस ख़त्म हो जाएगी जहाँ से आपका पिगलिंग स्पॉन होते हैं। तो यहाँ से 10 से गाइस 15 मैं ब्लॉक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा रूम बना लेना है जहाँ पर आप EFK वगैरह रह सकते हो। ये भाई ग्रेवल बहुत गंदी चीज़ है। ओ गाइस इधर एक छोटा सा रूम बना लेते हैं इधर की तरफ, फटाफट से मैं बना लेता हूँ पहले तो। ओ गाइस रूम बनाने के बाद अब देखो गाइस आपको यहाँ पे एक ब्लॉक हटाना है, उसके बाद गाइस इस वाले ब्लॉक पे आपको कनेक्ट करके लगाना है ऊपर। उसके बाद यहाँ से एक ब्लॉक, ये दो ब्लॉक हटा देने हैं। उसके बाद आपको लगानी है चेस्ट, चेस्ट के बाद गाइस आपको एक ब्लॉक इधर, दो दो ब्लॉक इधर इधर लगा देने हैं। उसके बाद आपको लेने स्टेयर्स, स्टेयर होगा एक स्टेयर आपको इसके ऊपर, और ये स्लैब है जो यहाँ पर आएगा इसके ऊपर गाइस। यहाँ से आप क्राउच होकर इजीली पिगलिंग वगैरह को मार सकते हो। ओके गाइस, इतना होने के बाद गाइस आपको इसका थोड़ा सा और बड़ा कर देना कलेक्टिंग सिस्टम, इसमें एक चेस्ट और कनेक्ट कर देना, और ज़्यादा करना चाहो तो और ज़्यादा कर देना, जितना आपके पास मटेरियल हो उतना कर देना कनेक्ट। अरे एक तो ऊपर चढ़ रहा है बार बार। उसके बाद एक यहाँ पर चेस्ट लगाना है, एक यहाँ पर, उसके बाद इसके ऊपर एक हॉपर। ओके गाइस, इतना होने के बाद इसका निकालते हैं बाहर जाने का रास्ता। और गाइस बाहर आ चुके हैं और ये लास्ट ब्लॉक यहाँ से हटा करके अब इसको करते हैं वहाँ से और बनाना। इतना काम गाइस हमारा हो चुका है तो फटाफट से चलते हैं फार्म पे। ओके गाइस, इतना होने के बाद गाइस आपको नॉर्मल ब्लॉक लेना है, और जहाँ पर गाइस आपने वाटर बकेट डाली थी इस साइड पर आकर के आपको एक ब्लॉक यहाँ पर प्लेस करना है इधर पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक डिस्पेंसर प्लेस करना है इसके ऊपर, जस्ट गाइस इसके डिस्पेंसर के बगल में आपको 4 ब्लॉक प्लेस करने हैं यहाँ से, एक सेकेंड, 1 2 3 4। ओके, 4 यहाँ पर, यहाँ पे गाइस आपको लेना है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर गाइस एक ऑब्जर्वर कुछ ऐसे लगेगा और दो ऑब्जर्वर गाइस इस तरफ मुँह करके लगेंगे कुछ ऐसे, ठीक है। इतना होने के बाद यहाँ पे आपको लगाना है 1 2, अब गाइस इसको पूरा मतलब कवर ही करना है 1 2 क्या। ओके, अरे यार एक्स्ट्रा लग गया, इसको हटा कर गाइस देखो यहाँ पर आकर के यहाँ पर दो ब्लॉक लगाने हैं इधर, एक इधर और एक इसके ऊपर, एक सेकंड क्राउच होना पड़ेगा यहाँ पर, एक यहाँ पर। ओके, इतना होने के बाद आपको लेना है ट्रैप डोर, ट्रैप डोर कुछ ऐसे लगा देना है प्लेस करके। ओके गाइस, इतना होने के बाद इसके ऊपर पूरा प्रॉपर इस तरीके से कर देना है, अब इसको पूरा कर देना है कवर, चारों तरफ से वोल कर देनी है दो दो की। ओके गाइस डन, इतना काम होने के बाद आपको सेंटर में एक लावा बकेट प्लेस कर देनी है। उसके बाद गाइस आपको काम, आपका यहाँ से काम पूरा हो चुका है। अब आपको गाइस यहाँ से एक रास्ता बनाना है जहाँ के हमारे बाहर ना पाए पिगलिंग, तो दो दो वॉल गाइस कुछ ऐसे लगा देनी है इधर,
उसके बाद आपको लेना है ग्लास, और ग्लास को गाइस कुछ ऐसे यहाँ पे कर देना है प्लेस। ओके गाइस, इतना होने के बाद ग्लासेस के ऊपर लगा देना आपको स्लैब, जिससे गाइस पिघलिंग वगैरह बाहर ना आए अगर गलती से अगर चढ़ जाए तो। यहाँ से ही गलत लग गया, इसको हटाते हैं, यहाँ करते सही और टन गाइस। इतना काम होने के बाद गाइस एक लास्ट काम करना है, जहाँ से हमारे पिघलिंग नीचे की तरफ आएंगे उसको चालू तो करना पड़ेगा ना। इसके अंदर आपको डिस्पेंसर के अंदर डालना है गाइस एक वाटर बकेट, ऐसे ये गाइस ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको एक लीवर, और गाइस देखो यहाँ पे गाइस ऐसे कुछ काम करने वाला है, लीवर को ऑफ मत करना, ऑन ही रहने देना। अगर आप जब फार्म को बंद करना चाहो तो उसको ऑफ करके आना। और गाइस एक पिघलिंग नीचे गया, और गाइस ऐसे काफ़ी सारे पिघलिंग आते जाएंगे जितने भी, और गाइस ये नीचे जाके कलेक्ट होते रहेंगे। अपन को गाइस वहाँ पे नीचे जाके किल करना है, जिससे गाइस हमको आयरन गोल्ड काफ़ी सारे गोल्ड का गाइस काफ़ी सारा सामान मिलने वाला है। गोल्ड की सोर्ड मिलने वाली है, इंगट मिलने वाला है, नगेट इंगट जो भी बोलते हो सब कुछ मिलने वाला है। हेलमेट सूट काफ़ी सारी चीज़ मिलने वाली है, तो उससे गाइज स्मेल्ट करके हम काफ़ी सारा गाइज गोल्ड कलेक्ट कर सकते हो। गाइज आपको अगर स्मेल्टिंग सिस्टम चाहिए इसी के अंदर फार्म के अंदर ऑटोमेटिक, तो गाइज वो भी मैं बना दूंगा, और सॉर्टिंग सिस्टम भी, जिससे गाइज ईजिली आप डायरेक्ट गोल्ड ले सकते हो। तो कमेंट में बता देना। और गाइज इस वीडियो पे हम लाइक एम करते हैं 50 लाइक का, तो 50 लाइक तो गाइज कर देना फटाफट। डायरेक्ट किल करा और ये सीधे नीचे वाले चेस्ट में गए होंगे। ये देखो गाइस यहाँ पे गाइस काफ़ी सारे गोल्ड इंगट सब कुछ कलेक्ट होगा, और एक मस्त बात है गाइस आपको एक्सपी भी के साथ एक्सपी भी काफ़ी सारी मिलने वाली है, इधर से काफ़ी सारी एक्सपी मिलने वाली है। ये देखो गाइस 5-6 XP तो मेरी मतलब कि वैसे ही हो गई, इधर अभी ज़्यादा कुछ मारा नहीं, और ऐसे ही मतलब 4-5 हो गई है। गाइस थोड़ा सा कलेक्ट होने देते हैं, ओके गाइस काफ़ी सारे कलेक्ट हो चुके हैं, 2-4 तो इनको मारते हैं। और ये देखो गाइस काफ़ी सारे इन्होंने इंगट वगैरह दे दिए गाइस, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर इसको थोड़ा सा और ऊपर बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। और ये देखो आए जा रहे हैं तो रुक नहीं रहे हैं, इनका नाम नहीं है रुकने का। तो गाइस अगर आप कभी ड्रॉप भी मत रुकना, लाइक करने से लाइक ठोकते रहना, सब्सक्राइब ठोकते रहना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। और माइनक्राफ्ट की सीरीज़ भी देख लेना, हालांकि मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, बट फिर भी पुराने वाले देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।